नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, इस जगह का नाम है नोएडा स्टेडियम। रामलीला यहां पर हो रही है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए, ये जो हैं ये कठपुतले हैं अभी। और दशहरा यानी कि कल के दिन, दशहरे के दिन इनको बकायदा जलाया जाएगा। अभी तो खैर लेटे हुए हैं, अभी इन पर काम चल रहा है, लेकिन रात को 12:30 बजे इनको खड़ा किया जाएगा। और एक विशाल जो इसको कहते हैं ना, पूरा चाहे वो रावण हो, मेघदूत हो और कुंभकर्ण, ये तीनों पुतले रात में खड़े हो जाएंगे। 12:30 के करीब इनको खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद कल दशहरे के दिन इसमें आग लगाई जाएगी और असत्य पर सत्य की जीत का एक संदेश लोगों के बीच में दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि रावण का NCR से खास कनेक्शन है। जी हाँ, मेरठ में रावण की ससुराल बताई जाती है और नोएडा के अंदर रावण का जन्म बताया जाता है। तो ऐसे में खासतौर पर रावण का एक कनेक्शन है NCR के साथ। क्या कनेक्शन है इस रिपोर्ट में देखिए। लंकापति रावण महाज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड की वजह से भगवान राम के हाथों मारे गए। रावण लंका का राजा था। रावण के पिता नाम विश्वा थे। विश्वा स्वयं अपने पिता के समान वेदवित और धर्मात्मा थे, और रावण भी अपने पिता की तरह सभी वेदों के ज्ञानी थे, और अपने 10 सिरों के कारण उनको दशानन भी कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण का NCR से खास कनेक्शन है। दरअसल रावण की पत्नी मंदोदरी उत्तर प्रदेश के मेरठ से थी। वहीं रावण का जन्म नोएडा के बिसरक में हुआ था, यानी कि मेरठ अगर रावण की ससुराल है तो NCR रावण का ननिहाल है। तो इस तरह से रावण का कनेक्शन NCR से कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ, देखा आपने कि रावण का कनेक्शन क्या है NCR के साथ, और साथ ही किस तरह की अपनी छवि रही है रावण की। दशानन उनको कहा जाता है, महाज्ञानी उनको बोला जाता है, महापंडित उनको बोला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दशहरे के दिन उनके पुतले को जलाया जाता है और एक संदेश दिया जाता है कि झूठ पर सच की विजय जरूर होती है। लेकिन मंदोदरी के साथ उनका विवाह हुआ, किस तरह से रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ है, किसके आशीर्वाद से हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जरा विजुअल देखिए आप। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि विजुअल दिखाएं लोगों को कि अभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। कहने को दशहरा अभी कल है, लेकिन भीड़ आज भी है, पूरा मेले जैसा माहौल आज ही बना हुआ है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी पूरा कि किस तरह की तैयारियां चल रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और उसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। मंदोदरी और रावण के विवाह की कहानी भी बड़ी अनूठी है। दरअसल मंदोदरी मै दानव की पुत्री थी, और मेरठ में जहाँ भैसाली मैदान है वहाँ राजा मै के समय में सती सरोवर था, जिसमें स्नान करने के बाद ही मंदोदरी सरोवर के पश्चिम तट पर स्थित बाबा श्री बिल्लेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आया करती थी। और मंदोदरी की बड़ी आस्था थी शिवजी में, इसलिए वो पूरे भक्तिभाव से भगवान शिव की अर्चना करती थी। मंदोदरी के भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मंदोदरी को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब मंदोदरी ने वर मांगा कि उन्हें एक बुद्धिमान और शक्तिशाली वर मिले, जिसके बाद मेरठ रावण की ससुराल बन गई। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन की दूरी पर एक जगह है मंदोर, यही वो स्थान है जहां पर मंदोदरी की रावण से शादी हुई थी। यहां पर दोनों की शादी विधि विधान के साथ संपन्न हुई, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मयासुर ने अप्सरा हेमा के लिए मंडोर का निर्माण करवाया था, और वो बेहद खूबसूरत थी। बता दें कि जहां रावण और मंदोदरी ने साथ फेरे लिए थे, आज वो खंडहर में तब्दील हो गया है। अब सिर्फ उसके अवशेष ही बचे हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पर आते हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है, मेघनाथ को जलाया जाता है और रावण के भाई कुंभकर्ण को जलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि देश में 5 ऐसी भी जगह हैं जहां पर रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि उनके जलाए जाने पर बाकायदा शोक मनाया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में कौन सी है वो जगह है। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव को रावण का जन्म स्थान माना जाता है, जहां दशहरे वाले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न में हर गांव, हर नगर, हर शहर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वहीं ये बिसरक गांव अकेला है जो मातम में डूबा रहता है। यहां कोई जश्न नहीं मनाया जाता। इसी गांव में लंकापति रावण का एक मंदिर भी है। और सिर्फ बिसरक ही नहीं, बल्कि कर्नाटक राज्य के कोलार में लंकेश्वर महोत्सव के दौरान रावण की पूजा कर जुलूस भी निकाला जाता है। इस जुलूस में रावण के साथ भगवान शिव की मूर्ति को घुमाया जाता है। चूंकि भगवान शिव का परम भक्त रावण, इसलिए कोलार में रावण की पूजा भगवान शिव शंकर के साथ की जाती है।
कोलार के मालवली तहसील में रावण का एक मंदिर भी है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में भी रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान है। यहाँ पर रावण की 10 फीट लंबी प्रतिमा है। विदिशा में दशहरे के दिन लोग रावण की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना मंदिर रावण का पहला मंदिर है। यहाँ पर रावण की रुंडी नाम की विशाल मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ कस्बे में भी रावण ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी। वैसे तो बैजनाथ कस्बे में रावण का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश के इस कस्बे में रावण का कोई पुतला भी नहीं जलाया जाता। उधर कानपुर के शिवालय क्षेत्र में मौजूद दशानन मंदिर साल में सिर्फ एक बार दशहरे के दिन ही खुलता है। दशहरे के दिन इस मंदिर में रावण की मूर्ति का श्रृंगार कर आरती की जाती है। इस मंदिर में सिर्फ दशहरे वाले दिन ही पूजा करने की अनुमति होती है। और यहाँ पे जब हम मेले के अंदर आए हैं ना, तो हमने देखा है कि चलिए भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ तो लोग सेल्फी लेते ही हैं, लेकिन एक नई चीज देखने को मिली है। ये देखिए, यहाँ पे लोग रावण के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं, यानी कि रावण के साथ भी इस वक्त सेल्फी लेने का जो ट्रेंड है ना, वो चल रहा है। मतलब सेल्फी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, रावण हो, मेघनाथ हो या फिर कुंभकर्ण हो। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए पूरा एकदम जोश है लोगों के अंदर। मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के साथ सेल्फी लेने का बड़ा क्रेज है इस वक्त। ये एक नई चीज देखने को मिली है कि लोग रावण के साथ भी सेल्फी ले रहे हैं। और भी कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर लोगों की रावण के साथ, मेघनाथ के साथ, कुंभकर्ण के साथ सेल्फी लेने की, जरा वो भी देख लीजिए। जी हाँ, जरा गौर से देखिए, दशहरे पर जितना क्रेज रावण के पुतले के जलने का होता है, उतना ही क्रेज लोगों में रावण के पुतले के साथ सेल्फी लेने का भी है। नोएडा के इस रामलीला स्टेडियम में लोग पूरे जोश खरोश के साथ रावण के पुतले के साथ सेल्फी ले रहे हैं, यानी कि राम के साथ साथ लोगों में रावण को लेकर भी काफी क्रेज है। जी हाँ, दशहरे का त्यौहार है ये, और इस त्यौहार को मनाने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, उत्साहित रहता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है इस त्यौहार का कि बकायदा हर जगह मेले लगाए जाते हैं। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। घर के जो बड़े होते हैं अपने बच्चों को लेकर मेले में पहुँचते हैं और बताते हैं कि देखिए, अगर गलत करेंगे तो इसी तरह से विनाश होता है, और अगर सच और सत्य के पथ पर चलेंगे तो फिर चरित्र का उत्थान होता है। इसी तरह का मैसेज देने के लिए बकायदा मेले लगाए जाते हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है कि एक संदेश लोगों के बीच में पहुंच सके। हम भी यही चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को लेकर, घर के बुजुर्गों को लेकर मेले में पहुंचिए और संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं से अपने बच्चों को रूबरू करवाइए। फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज नशा के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।